आपने कभी सोचा है एक इंसान की पूरी बॉडी की कीमत कितनी है, यानी एक इंसान अगर अपनी पूरी बॉडी के पार्ट्स को बेच देता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। आइए जानते हैं। बॉडी का सबसे महंगा पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल। अगर एक इंसान इसे बेचता है तो उसे 7.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। दूसरा बॉडी का महंगा पार्ट है लीवर, जिसे बेचने पर 4 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। और तीसरा है किडनी। एक किडनी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है और बाकी 37,000 का आपका पेट चला जाएगा और आपके एक कंजे की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। महंगाई को देखते हुए इंसान की खाल 750 रुपए पर इंच, बात करें टोटल की तो टोटल होते हैं 341 करोड़ रुपए। तो देखा आपने कितना कीमती है हमारा शरीर, 341 करोड़। मैं तो ये मानता हूं कि मैं अगर 3,41,00,000 में भी अगर आपका आपके शरीर का एक पार्ट भी मांगू तो भी आप मुझे नहीं देंगे। तो अगर कोई ट्रेनर आपसे 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 को महीना मांगता है आपके उस शरीर को फिट करने के लिए जो इतना कीमती है, तो क्या गलत मांगता है? और वो ट्रेनर अगर सर्टिफाइड है, अगर उस आप सर्टिफिकेट चेक कीजिए ना अपने ट्रेनर का, अगर वो ट्रेनर सर्टिफाइड है तो उसको उतनी फीस देने में प्रॉब्लम क्या है? आपके फीस से ही उस ट्रेनर का घर चलता है, आपके फीस से ही वो अपने क्लास को मेंटेन करके रखता है, आपके फीस से ही वो अपने नीचे वाले बंदों की सैलरी देता है। तो ट्रेनर की फीस आप सबसे पहले तो कम मत कराइए और दूसरा अपने ट्रेनर को टाइम पर सैलरी दीजिए। जिस तरीके से सर ने बात कही है, आप आगे वाले वीडियो में देखिएगा, शायद मैं वैसी बात नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं उनका वीडियो कट करके डाल रहा हूं। और सॉरी अगर उनको बुरा लगा होगा कि मैंने उनका वीडियो डाला है, बट मैं वैसा नहीं बोल पाऊंगा, इसीलिए मैं उनका वीडियो कट करके डाल रहा हूं, तो इसको जरूर देखिएगा। अरे हाँ तो सर यार, अंदर तुम भी ट्रेनर बेटे जैसा यार, अपना कोई निकल थोड़ी जाएगा यार तुमको। मेरा बेटा इनको पहचान दिया कि नहीं? तो वो जो जूनी इंदौर पे 6 सालंग फैक्ट्री है ना, और वो जो साकेत पे गेरुआ कलर का सबसे बड़ा बंगला है, और ये तेरे जिम से भी बड़ी जो गाड़ी खड़ी है ना नीचे। अरे कुमावत जी कितने तारीफ करोगे यार बेटा, फीस कितने लगा तो? भैया 2,000 रुपए महीना और 12,000 साल का। 2,000 रुपए महीना? बेटा कम कर यार जरा यार। तो भैया घर के राशन के पैसे है कि नहीं? यार सारा पैसा जूनी इंदौर की फैक्ट्री में लगा दिया। अरे कुमावत जी बदतमीजी से बात कर रहा है यार, बेटा फोन में तेरा जिम बंद हो जाएगा अभी। लगा लो फोन लगा के क्या बोलोगे, जिम बंद कराना है? मैं जूनी इंदौर की फैक्ट्री का मालिक बोल रहा हूँ, मेरे से 2,000 रुपए देने की नहीं बन रही। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिम का मेंटेनेंस ट्रेनर्स की सैलरी आपकी दी गई फीस से ही पूरी होती है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छा होगा वो भी इस पर डिपेंड करता है। कैसे? जब फीस कम तो ट्रेनर्स की सैलरी कम, जब ट्रेनर्स की सैलरी कम तो ट्रेनर सर्टिफाइड कम, जब ट्रेनर सर्टिफाइड कम तो तेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी कम। खुद की सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो, उल्टा 5-8 हज़ार रुपए ज्यादा दे दो। सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो, उल्टा 5-8 हज़ार रुपए ज्यादा दे दो। और हाँ, अगर ट्रेनर छुट्टी मारता है तो आप उसकी सैलरी या फीस काट सकते हैं, मगर अगर आप छुट्टी मारते हैं उसका फीस और सैलरी आप नहीं काट सकते। क्लासेस के दौरान, या अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, या किसी ट्रेनर से क्लास ले रहे हैं, या जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर ट्रेनर छुट्टी मारता है तो आप उसकी सैलरी काटिए, आप उसका फीस कट करके दीजिए। बट अगर आप छुट्टी मारते हैं एज अ मेंबर, अगर आप छुट्टी मारते हैं तो आपको फीस काटने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 घंटा अगर मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, सपोज अगर मैं 7 से 8 की टाइमिंग अगर आपके लिए निकाल रहा हूँ, तो मैं उस टाइम में बुक हूँ। अब आप अगर अब उस टाइम पे 1 महीना बोल कर अगर आप 10 दिन एक्सरसाइज करेंगे, तो बाकी के 20 दिन तो मैं तो वो बुक हूँ, मैं तो उस टाइम पे बुक हूँ, मैं और किसी को और किसी की क्लास नहीं ले सकता उस टाइम में, क्योंकि वो टाइमिंग आपकी है। और आप 1 महीना बोल के अगर आप 10 दिन जिम करते हैं या 10 दिन आप एक्सरसाइज करते हैं, और आप ये बोलेंगे कि आप मुझे 10 दिन की सैलरी देंगे या 10 दिन का फीस देंगे, तो ये सही नहीं है। आप जियो का रिचार्ज करते हो, आप 300 रुपये का रिचार्ज करते हो, अगर आप 1 दिन नेट चलाओ या पूरे 28 दिन नेट चलाओ, आपको 300 रुपये आपको पे करना है। जियो को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप 1 दिन नेट चलाते हो या 2 दिन नेट चलाते हो। तो वैसे ही ट्रेनर का फीस होता है, चाहे आप 1 दिन करें चाहे आप पूरे महीने भर के लिए करें। अगर आप किसी ट्रेनर को 1 महीने के लिए हायर करते हैं तो आपको उसकी फीस पूरे महीने की देनी पड़ेगी। हाँ, अगर ट्रेनर छुट्टी मारता है तो
तो आप उसकी फीस कट करके दीजिए। बट अगर आप छुट्टी मारते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो ट्रेनर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रेनर उस टाइम पे अवेलेबल है आपके लिए, वो उस टाइम को किसी को नहीं दे सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर किसी ट्रेनर को एक साल की फीस जो मिलनी चाहिए उसका उसको आधा ही मिलेगा, और आधे का आधा ही मिलेगा, तो वो आपके पास आपको क्यों एक्सरसाइज कराएगा, वो आपके लिए क्यों अवेलेबल रहेगा। तो ऐसा ना करें। अगर आप किसी ट्रेनर की टाइमिंग लेते हैं तो आप उस टाइम का पैसा दे रहे हैं, आप उस ट्रेनर का पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उस एक घंटे का पैसा दे रहे हैं। अब उस एक घंटे में चाहे आप एक्सरसाइज करिए या ना करिए, ट्रेनर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर ट्रेनर छुट्टी मारता है तो आप उसकी फीस कट करके दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप छुट्टी मारते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है।